हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एस ट्यूटोरियल्स। ये आपका तीसरा वीडियो लेक्चर है रिलेटेड टू दिस चैप्टर। लास्ट जो वीडियो था उसमें हम लोग ने बात करी थी किंगडम प्रोटेस्टा और किंगडम मोनेरा के बारे में, उस कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़े थे। अब नाउ इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट द किंगडम फंगाई। ठीक है, देखो फंगाई की बात करें तो यहाँ पे उसका बेसिकली एक डायग्राम दिया गया है। आप देख सकते हो कैसा होता है फंगाई, कैसे एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर वो एक लाइन के थ्रू इरेक्ट हुए हैं और उनके ऊपर जो है यहाँ पे वो एक उसके सारे जो हम बोल सकते हैं कि उसके बीज है जहाँ से वो वापस गिर के दूसरी जगह पे उगते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे हर एक पार्ट के नाम दिए गए। पहले बेसिकली फंगाई का हम लोग डायग्राम का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ठीक है, फिर आगे उसके बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे बेसिकली जो नीचे उसके रूट्स हैं वो रूट्स को क्या नाम दिया गया है, यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो राइजोइड्स करके उसके रूट्स के नाम दिए गए हैं। जो बेसिकली जो भी सरफेस रहता है, जैसे कि ब्रेड के ऊपर आप फंगाई को देख सकते हैं, बोलते हैं वो वाइट कलर के आप ये वेब टाइप कुछ स्ट्रक्चर देखते हो, बहुत दिन पुराने जो ब्रेड बटर्स रहते हैं, कोई भी चीज़ रोटी वगैरह रहती है, बहुत दिनों तक आपने उसको ऐसे ही रखा है तो उसके ऊपर वाइट कलर का ऐसा वेब लाइक स्ट्रक्चर्स क्रिएट हो जाता है अलग अलग जगहों पर, तो दैट इज़ फंगाई, है ना। तो उसको फंगाई बोलते हैं। उसके देखो यहाँ पे राइजोइड्स करके उसके रूट्स के नाम है। फिर एक उसको बेस स्ट्रक्चर दिया गया है, यहाँ पे एक पाइप के जैसा छोटा सा नली जैसा उसको बेस देने के लिए उसको स्ट्रक्चर मिला गया है विच इज़ कॉल्ड एज अ हाइफा। ठीक है, हाइफा उसको बोलते हैं। फिर वो इरेक्ट जहाँ से होते हैं, जो ये इरेक्ट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियो फोर्स। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ स्पोरेंजियो फोर। तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ स्पोरेंजियो फोर। एंड ये यहाँ पे जो आप देख रहे हो, जो ये जो सारे सीड्स है जिसको होल्ड करके रखता है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ एपोफाइसिस। होल्ड करके रखता है यहाँ पे, ये जो जॉइंट आपको दिख रहा है जहाँ पे ये होल्ड करने वाला और ये जो स्पोरेंजियो फोर्स है स्पोर है वो मिल रहा है, दैट वो दोनों जहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड एज अ एपोफाइसिस। ठीक है, और जो इसको होल्ड करके रखता है सीड्स को है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ कोलुमेला, दैट इज़ कॉल्ड एज अ कोलुमेला, राइट। और जो दूसरे ये जो बीज है, जो सीड्स है, जो दूसरी जगह पे गिर के दूसरे फंगाई को वहाँ पे प्रोड्यूस करेगा, दैट इज़ कॉल्ड एज अ स्पोरेंजियम, दैट इज़ कॉल्ड एज अ स्पोरेंजियम, राइट। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर है फंगाई का, इसको भी आप अच्छी तरह से नीट एंड लेबल डायग्राम आप सीख सकते हो, इसको भी आपको करना है। और ये डायग्राम ड्रॉ करके मुझे आपको बताना है। ठीक है, तो ये डायग्राम ड्रॉ करके सब मुझे बताएंगे और ये एग्ज़ाम में भी आ सकता है। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ डायग्राम एंड इट इज़ वेरी इजी, सिर्फ आपको नाम थोड़ा याद रखना होगा और उसको समझना होगा। ठीक है, तो बेसिकली दिस वाज द डायग्राम ऑफ द फंगाई। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एक्टिविटी। देखो यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है, टेक अ मोस्ट पीस ऑफ ब्रेड और भाकरी बनाते हैं ना हम जो नाश्ते में खाते हैं, एंड कीप इट इन अ कंटेनर विद अ लीड फॉर अ 2 to 3 days। आफ्टर 2 to 3 days अ फाइन कॉटन थ्रेड लाइक स्टफ इज फाउंड ग्रोइंग ऑन द सरफेस ऑफ द ब्रेड, है ना। जैसे मैंने बताया कि आप कोई ब्रेड का टुकड़ा है उसको 4-5 दिन ऐसे ही रहने दो या फिर लीड के साथ रखो एक कंटेनर में, तो उसके ऊपर उसकी सरफेस के ऊपर वाइट कुछ तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, वो और कुछ नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ फंगाई। उसके ऊपर वो फंगाई ऑटोमेटिकली आ जाती है। ठीक है,
Now, prepare a temporary mound of a few bright threads from this culture and observe under the microscope. ठीक है, अगर माइक्रोस्कोप में आप देखोगे वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को, तो वो कुछ इस तरह से दिखेगे. ठीक है, सो बेसिकली दिस इज द फंगाई. नाउ वी विल लर्न अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंगाई. तो उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखो यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इसको मैं पढ़ता हूँ, देन आई विल इलोबरेट इट, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. दिज आर नॉन ग्रीन यूकैरियोटिक, है ना. देखो हम लोग ने देखा था प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. तो यूकैरियोटिक मतलब क्या, इसका स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, इसके सेल्स काफ़ी वेल डिफाइंड है. हेटरोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक मतलब क्या, कि दूसरों के ऊपर निर्भर रहने वाले, अपना खाना दूसरों से लेने वाले, है ना, खुद अपना खाना नहीं बनाते, ऑटोट्रॉफिक नहीं है, हेटरोट्रॉफिक है. सो ये हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया. सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, मोस्ट ऑफ देम आर सेप्रोट्रॉप्स, दे फीड अपॉन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. सेप्रोट्रॉप्स मतलब क्या, कि जो जिसके ऊपर, जैसे कि वो ब्रेड की बात करते हैं, ब्रेड के ऊपर अगर वो हो गया तो क्या करेगा, ब्रेड को खुरद खुरद के जहाँ पे जिसके ऊपर जो उसका होस्ट है, ठीक है, जिसको, जैसे हम बात करते हैं कि आपके सर पे जो जू होता है, ठीक है, तो वो जू जो होता है क्या करता है, आपके शरीर का खून चूस के ही वो बड़ा होता है. तो ऐसे कोई जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज अ सेप्रोट्रॉप्स, एंड दे फीड ऑन अ देयर होस्ट पार्टी. ठीक है, देयर सेल वॉल इज अ मेड अप ऑफ अ टफ एंड कॉम्प्लेक्स शुगर कॉल्ड चिटिन. ठीक है, तो उसकी जो सेल वॉल होती है वो काफ़ी टफ और कॉम्प्लेक्स शुगर से बनी हुई होती है, विच इज़ कॉल्ड एज अ चिटिन. ओके, नाम है उसका. नाउ सम फंगाई आर थ्रेड लाइक एंड मैनी न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. देखो इसके लिए आपको सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना होगा, वो चैप्टर है आपके सिलेबस के अंदर ही है. आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, आपको समझ में आ जाएगा. और आगे भी आपने शायद प्रीवियस स्टैंडर्ड में सेल्स के बारे में पढ़ा होगा कि सेल्स जो होता है, इट इज़ अ वेरी यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी. उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, उसके अंदर भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा. ठीक है, पर यहाँ पर हम लोग अगर फंगाई के सेल की बात करें तो फंगाई आर थ्रेड लाइक एंड मैनी न्यूक्लियर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. ये जो बोला गया है, ये जो फोर्थ वाला पॉइंट है, उसको मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ कि देखो आप यहाँ पे अगर फंगाई को देख रहे हो तो वो और कुछ नहीं, ये इसकी बात हो रही है. ठीक है, समझ में आया, तो दे आर टॉकिंग अबाउट दैट हियर. ओके, नाउ एग्जाम्पल दिए गए हैं, अगर ये पॉइंट अच्छे से नहीं समझेगा, यू कैन एक्सप्लेन मी मोर, आई विल एक्सप्लेन यू मोर डिटेल इन इट. ओके, एग्जाम्पल, बेकर्स यीस्ट, एस्परजिलियस, दैट इज़ अ फंगस ऑन कॉर्न एंड द पेनिसिलियम एंड मशरूम्स, ऑल दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ फंगाई. राइट, बेकर्स यीस्ट, बेकर्स यीस्ट, इसका भी फंगाई का इस्तेमाल होता है. जो हम लोग बेकरी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, जिसको थोड़ा फुला हुआ होता है ना, जैसे केक हो गया, फिर हम लोग अलग अलग पाई जो होती है वो देखते हैं, जो भी बेकरी के जो भी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो फुले हुए होते हैं. अब इसको देख लो, टोस्ट वगैरह को देख लो, ये सारे फुले हुए होते हैं. आप उसके स्ट्रक्चर को देखोगे तो उसका स्ट्रक्चर आपको थोड़ा वेब टाइप दिखेगा अंदर से, आप जब भी उसको ऑब्जर्व करोगे. आप उसको अपने आँखों से भी देख सकते हो, उसको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना. बटर हो गया, बटर को आप देखोगे तो अंदर से एकदम ऐसा थोड़ा फुला हुआ रहता है. ये सारी चीज़ों में ये जो यीस्ट होती है यूज़, दैट इज़ नथिंग बट द फंगाई. तो इसके डोमेस्टिक यूज़ भी है. ठीक है, दो मैनी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये हो गया फंगाई के बारे में. फंगाई हमने पढ़ लिया, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा. अभी थोड़ा और आगे एक टॉपिक कवर करेंगे. देखो यहाँ पे क्या लिखा है, दो मैनी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर इंट्रोड्यूस आफ्टर द विटेकर्स, हिज फाइव किंगडम इज़ अ वाइडली एक्सेप्टेड. विटेकर के बाद भी बहुत सारे लोगों ने
इसका क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दिया, ठीक है। फिर भी विटेकर का जो फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो काफ़ी सूटेबल है और काफ़ी एक्सेप्टेबल है, इसलिए ज़्यादातर क्लासिफिकेशन के लिए विटेकर का जो क्लासिफिकेशन है उसको ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नाउ अभी यहाँ पे एक टास्क दिया गया है कि एक्सप्लेन द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ अ विटेकर्स क्लासिफिकेशन। अगर अभी तक का चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आया है, आपने अच्छी तरह से पढ़ा है, तो आप इसका क्लासिफिकेशन अच्छी तरह से कर पाओगे, ठीक है। तो ये फंगाई हमने कवर किया। नाउ मैं आपको ब्रीफली थोड़ा क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स के बारे में पढ़ा देता हूँ। ये अपना एक पार्ट ख़त्म हो गया, आधा पार्ट ख़त्म हो गया चैप्टर का, अभी हम दूसरे पार्ट में आ रहे हैं। तो बेसिक जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, वो मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग अच्छी तरह से उसको डिटेल में एक एक टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। यहाँ पे माइक्रोब्स की बात करी जा रही है ना, तो उसको अच्छी तरह से पढ़ते हैं। अमोंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर द लार्जेस्ट इन नंबर, हेंस दे आर क्लासिफाइड एज फॉलो, है ना। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब क्या, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स। सिंपल भाषा में अगर मैं डिफाइन करूँ तो उसको हम लोग ब्रीफली बोल सकते हैं माइक्रोब्स, राइट। तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो काफ़ी लार्ज है, हम उसको देख नहीं पाते ज़्यादातर। हम लोग उसको मैं इसमें जो ये मशीन आता है उसके अंदर ही इसके अंदर अपना माइक्रोस्कोप के अंदर ही हम लोग उसको देख सकते हैं, है ना। पर वो काफ़ी नंबर में ज़्यादा है, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको एक कंपैरिजन दिया है विद रेफरेंस टू द साइज ऑफ द माइक्रोब्स। रिमेंबर दैट द 1 मीटर इज अ, हम लोग माइक्रोब्स के रेफरेंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1 मीटर इज इक्वल टू 10^6 माइक्रोमीटर हो गया, दैट इज कॉल्ड एज अ माइक्रोमीटर, राइट। यहाँ पे उसका यूनिट भी दिया है। एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 10^-9 नैनोमीटर, इतने वो छोटे होते हैं। मतलब 1 मीटर की बात करें तो उसको हम लोग अगर कन्वर्ट करें माइक्रोब्स के फॉर्म में तो दैट इज कॉल्ड एज अ 10^9 नैनोमीटर, ठीक है। नाउ एक ब्रीफली क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखो, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिया गया है, सिंपल है। और ये क्लासिफिकेशन आप याद भी रख सकते हो अच्छे से, कुछ नहीं इसमें। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अभी प्रोकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक क्या है, वो मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस चैप्टर में बता दिया है, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर बेसिकली 3 चीज़ें आती है, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा और फंगाई, ठीक है। बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा और फंगाई, ये तीनों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही आते हैं। पर सिर्फ जो बैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोट्स के अंदर आते हैं, प्रोटिस्टा और फंगाई जो है वो यूकैरियोट्स के अंदर आते हैं। प्रोकैरियोट्स जो है वो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि उसका सेल स्ट्रक्चर काफ़ी बेसिक होता है, सेल उसका इतना वेल डेवलप नहीं होता है। यूकैरियोटिक्स जो है, यूकैरियोट्स उसके जो सेल्स है वो काफ़ी वेल डिफाइंड होते हैं। तो मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये बन रहा है कि प्रोटिस्टा और फंगाई है उसके सेल्स काफ़ी वेल डेवलप्ड है, वो वेल डेवलप्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। पर जो बैक्टीरिया है उसका स्ट्रक्चर काफ़ी सिंपल है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो वेल डेवलप्ड नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक क्लासिफिकेशन है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। यहाँ पे ये क्लासिफिकेशन को हम लोग डिटेल में देखो यहाँ पे दिया गया है, उसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। फर्स्ट हमको दिया गया है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के बारे में हम लोग, और प्रोटिस्टा और फंगाई और आल्गे, सॉरी आई फॉरगॉट टू इंक्लूड द आल्गे इन दिस। तो यूकैरियोटिक में भी आल्गे भी है। तो प्रोकैरियोटिक के अंदर बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक के अंदर प्रोटिस्टा, फंगाई और आल्गे, ये 3 चीज़ें इंक्लूड होती है। टोटल कितनी चीज़ें हैं, 4 चीज़ें। 4 में से एक बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोट्स में जाएगा, और प्रोटिस्टा, फंगाई और आल्गे यूकैरियोट्स में जाएगी, ठीक है।
तो ये इतनी चीज़ें क्लासिफिकेशन है, ये दो चीज़ें हम लोग ये वीडियो के अंदर कवर अप करेंगे, इसको पढ़ेंगे अच्छे से, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं फिर बैक्टीरिया और बाकी चीज़ों के बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे एक बेसिक उसके स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं और उसके बारे में ब्रीफली इंट्रोडक्शन दिया गया है, ठीक है। वी विल टॉक अबाउट दैट इन अ नेक्स्ट चैप्टर। तो तब तक ये यहाँ तक के चैप्टर को आप अच्छी तरह से पढ़िए, समझिए, वीडियो को बार बार देखिए। नहीं समझ में आया तो आप कोई भी वर्ड्स, कोई भी एक्सप्लेनेशन आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। सो हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स, लर्न वेल।